नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सार न्यूज, मैं रिजवी। आम आदमी पार्टी के द्वारा पटना सिटी के नून के चौराहे में बालू मजदूरों का एक प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व आप नेता अरविंद कुमार पंकज ने किया। प्रदर्शन कर्मियों ने हाथ में तख्ते लेकर रोटी दो का नारा लगाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहे थे। कुछ प्रदर्शन कर्मियों ने हाथ में करनी वसूली और पट्टा भी ले रखा था। इस अवसर पर अरविंद कुमार पंकज ने कहा कि बालू बंद करना नीतीश कुमार का तानाशाही रवैया है, जिसके चलते बालू पर आधारित ना जाने कितने मजदूर कामगार बेरोजगार हो गए हैं। पटना जोन के प्रभारी श्रीमती ओमा दत्तुआर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बालू बंद करके निर्माण कार्य में लगे बिहार के लाखों मजदूरों के पेट पर लात मारी है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारी पार्टी सड़क से संसद तक मजदूरों की आवाज उठाएगी। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए बिहार सरकार से मांग किया है कि वो बालू पर से पाबंदी को तत्काल हटाया जाए, नहीं तो बिहार के मजदूर रोटी दो नहीं तो जेल नामक कार्यक्रम का चलाएगी और बिहार के तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता पवन प्रकाश ने मजदूरों के खस्ता हाल को देखते हुए बिहार सरकार से मांग की है कि जब तक बिहार में बालू बंद है, तब तक प्रत्येक मजदूर को 2-2 लाख रुपया बिना ब्याज के बिहार सरकार उपलब्ध कराए। आपके प्रदेश मीडिया समन्वयक राजेश सिन्हा ने कहा है कि मजदूरों की स्थिति को देखते हुए उनके बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्च बिहार सरकार से उठाने की मांग की है। मजदूर नेता देवी दयाल तथा मोहम्मद सलीम रजा ने कहा है कि बालू बंद होने से मेरा और मेरे पूरे परिवार की स्थिति भयावह हो गई है। उन्होंने कहा कि कई मजदूर कर्ज लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पटना साहिब विधानसभा के संपर्क सूत्र में मोहम्मद असलम, बिरजू दास, मोहम्मद इरफान अंसारी, आपके वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र चौधरी भी शामिल रहे और उन्होंने भी गरीबों की आवाज़ उठाई।